बहुत समय पहले की बात है, जिंतूर नाम का एक शहर था। इस शहर में शीला अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती थी। शीला एक सरकारी नौकरी करती थी, घर का सारा खर्चा उठाती थी। शीला घर के सारे काम करती और बच्चों को भी संभालती थी। शीला का पति मनोज था, वह घर का कोई काम नहीं करता और दिन भर सोता रहता था। वह केवल खाना खाता और दिन भर घर में इधर उधर समय बिताता रहता था, जिसके वजह से शीला बहुत परेशान रहती थी। वह यही सोचती थी कि यदि उसे कुछ हो गया तो घर का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बाद घर का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगा। यही सब सोचकर शीला बहुत परेशान रहती थी। शीला के एक बेटे का नाम जीतेश था। वह बहुत मतलबी और खुदगर्ज इंसान था। वह किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, वह केवल अपने बारे में ही सोचता था। वह दूसरों की बुराई भी बहुत करता था। वह अपने परिवार के लोगों की बुराई घर के बाहर के लोगों से करता था। वह एक प्राइवेट नौकरी करता और अपना सारा पैसा खुद पर ही खर्च करता था, जबकि उसका दूसरा बेटा मितेश बहुत ही अच्छा था। वह घर का सारा खर्चा भी उठाता और परिवार के सभी लोगों का ख्याल भी रखता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था। इसी तरीके से परिवार के सभी लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ महीनों के बाद शीला के पति को एक बीमारी हो गई। उसका पति बीमारी से बहुत परेशान रहने लगा। शीला के बचाए हुए पैसे भी उसकी बीमारी के इलाज में खर्च होने लग गए, जिसके कारण शीला बहुत परेशान रहने लगी। बहुत इलाज कराने के बाद भी शीला का पति ठीक नहीं हुआ और कुछ महीनों के बाद ही उसका देहांत हो गया। शीला अपने पति की मृत्यु के वजह से बहुत ही उदास हो गई और परेशान रहने लगी। वह हमेशा दुखी रहने लगी। जीतेश के ऊपर पिता की मृत्यु का कोई असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जीने लगा और अपने घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा। अपने परिवार से बात भी करना बंद कर दिया, जबकि मितेश अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। अपनी माँ की परेशानी को समझता था। वह हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखता और माँ को खुश करने की कोशिश करता था। वह एक सरकारी नौकरी करता था। इसी तरीके से इन लोगों की जिंदगी चल रही थी। शीला अपनी नौकरी में धीरे धीरे समय बिताने लगी और खुश रहने लगी। उसका बेटा उसका बहुत ख्याल रखता और घर का खर्चा भी उठाता था। शीला अपनी नौकरी से बचाए हुए पैसे संभाल कर रखने लगी। वह सोचती थी, बुरा वक्त आएगा तो यही पैसा हम सभी लोगों के काम आएगा। शीला सोचने लगी कि चलो अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। शीला ने अपने बेटे मितेश से शादी की बात की तो उसके बेटे ने बोला, मैं ऋतु नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसकी माँ भी शादी के लिए तैयार हो गई। दोनों माँ बेटे शादी की बात करने के लिए लड़की के घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटे ऋतु के घर पहुँचते हैं। ऋतु अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ का नाम मीरा देवी था। उसके पति का देहांत बहुत साल पहले बीमारी के कारण हो गया था, जिसके कारण शुरुआती दिनों में उसने गरीबी में जीवन बिताया। लेकिन जब उसकी बेटी की नौकरी लग गई, तब वह अपना जीवन अच्छे से जीने लगी। ऋतु मितेश को देखकर बहुत खुश हो गई। मितेश की मां ने शीला देवी से बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए। तब ऋतु की माँ बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी बेटी आपके बेटे से प्यार करती है। ऋतु और मितेश यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए।
दोनों ने मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला किया। तब शीला ने मीरा से बोला कि हम दोनों की शादी मंदिर में ही कर देते हैं। इससे हम लोगों का पैसा भी बचेगा और बचे हुए पैसे इन दोनों के काम भी आएंगे। यह सुनकर मीरा बहुत खुश हो गई और बोली, मैं भी यही चाहती थी कि पैसा खर्च करने के बजाय इन दोनों को दे देना चाहिए, ताकि दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाए। ऋतु और मितेश की शादी मंदिर में हो जाती है। वे लोग अपना जीवन अच्छे से जीने लगते हैं। इसी तरीके से दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद ऋतु मितेश की माँ से बोलती है, क्यों ना मैं अपनी माँ को घर पर बुला लेती हूँ, सब लोग साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शीला बोलती है, तुमने यह बात बहुत अच्छी बोली, हम तुम्हारी माँ को यहाँ बुला लेते हैं। ऋतु की माँ और शीला दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। जीतेश अपना जीवन अकेले ही बिता रहा था। वह शादी तो करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी में शामिल होने के लिए कोई नहीं था। वह अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते जो तोड़ चुका था। वह जोशना नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले बोलते थे कि हम तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहते हैं, बिना मिले हम तुम दोनों की शादी नहीं कर सकते हैं। यह बात सुनकर जीतेश बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। वह बहुत दुखी रहने लगा और उसने जोशना से बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब जोशना ने बोला कि तुम अपने भाई और माँ से बात करना शुरू करो, उनके साथ रहो और उनका ख्याल रखो, तभी हम लोग शादी कर पाएंगे, नहीं तो हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। जोशना ने जीतेश को परिवार की अहमियत समझाई। जोशना के समझाने के बाद जीतेश को लगा कि वह गलती कर रहा है। उसको लगा कि परिवार ही सब कुछ होता है। मुसीबत के समय में ही परिवार की असली पहचान होती है। जीतेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सब कुछ भुलाकर सबसे पहले वह अपनी माँ के पास गया और माफी मांगी। वह अपने भाई से भी मिला और भाई से भी माफी मांगी। जीतेश में इतना बदलाव देखकर शीला और जीतेश दोनों खुश हो गए। दोनों ने जीतेश को घर पर बुला लिया और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इसी तरीके से इन लोगों की जिंदगी सही से चलने लगी। जीतेश ने अपनी माँ को शादी के बारे में बताया। उसकी माँ ने बोला, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। जब जीतेश की माँ जोशना के घर जाते हैं, जोशना अपने माता पिता के साथ रहती थी। जोशना के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, ढेर सारा पैसा कमाते थे, जबकि जोशना की माँ घर का सारा काम देखती थी। जब जोशना के माँ बाप शीला से मिले तो वह भी बहुत खुश हो गए। वह लोग भी अपने बेटी की शादी के लिए तैयार हो गए। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से पूरा परिवार खुशी खुशी साथ में रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मतलबी इंसान नहीं होना चाहिए। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। कभी भी परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। परिवार के लोग ही मुसीबत के समय में साथ देते हैं। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक लड़के ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अलग रहने लगा। जब उसको अपने परिवार की जरूरत पड़ी तो उसको समझ में आया कि मुसीबत के समय में केवल परिवार ही साथ देता है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने परिवार के पास लौट गया।